क्या हो गया यार? वही तो देश के ज्यादा मालिक। अब देखो खुद उठी वाले खेल के आउट होना है, जज का काम नहीं आता। अब आप कहोगे तो मारे बड़ी दादे तो हाँ भाई ये प्रैक्टिस ही करते अच्छी भली। जब से बाबर आउट हुआ है तब से काम शुरू हो गया भाई। आउट हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। तो यार जहाँ हमने कल का व्लॉग एंड किया था वहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 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 आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। अगेन एंड अगेन आई जा रहे हैं, शूल मेला लगी जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी अभी पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है और इंडिया कर रही है बॉलिंग। टॉस जीता है इंडिया ने। पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 3 नंबर हो गए उन्होंने, 20-22 बना दिया स्कोर, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं, लगाते हैं, लगा कर फिर आपको दिखाते हैं। बाकी दुआएं ज़रूर करनी है आपने कि पाकिस्तान जीत जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो बुलाते हैं बॉयज को भी, वो भी यहाँ आते हैं, वो उनके साथ भी शुक्र मेला लगाते हैं, बाकी आपको सारा दिखाते हैं। तो यार मैच लग चुका है फाइनली फाइनली, ये देखो 5 ओवर हो चुके हैं, 26 स्कोर बना दिए। शुक्र है यार अल्लाह, शुक्र है इमामुल हक साहब खड़े हैं, शुक्र है इमामुल हक साहब खड़े हैं। उम्मीद थी उसके खड़े होने की इस बंदे की। हाँ भाई चलो अल्लाह खैर, मुझे लगता है ये सेंचुरी मारेगा आज इंशाल्लाह। बाकी बॉल देंगे, चल सिराज करा रहा है बॉलिंग और ओ वेल, नहीं नहीं जा जा, ओ वेल रोक लिया रोक लिया। बाकी दुआएं साथ हो पाकिस्तान के तो इंशाल्लाह शाल जीत जाएगा। तो यार अब्दुल्ला भाई भी आ चुके हैं और मैच देखते हैं। वो क्या क्या बात है, देखा फायदा, देखो फायदा देखो, वो लोग ओपन किया चौका मार दिया बाबा, बाबर भाई ने किंग शहजादा, सबका शहजादा जलवा है हमारा। खैर क्या बात है, क्या बात है, चेक करो। ओए 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 प्यार से, प्यार से इजी। कौन सिराज कर रहा बोलिंग, देखा कोशिश तो की है उसने, कोशिश की है पर लगी नहीं है, डाई नहीं लगी उससे। ठाकुर हाँ हाँ, ये एक और आ जाए। चल रोक लिया रोक लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हमारे इमाम साहब सही खेला, बहुत निस्बत सही खेला वो, फिक्र है कुछ खेल गया है। बाकी अब्दुल्ला शफीक का था थोड़ा सा दुख है कि वो पहले जल्दी आउट हो गया, वरना वो बंदा क्लासी प्लेयर है। बस जो कहते हैं दुनिया की नंबर वन जोड़ी रिजवान और बाबर, वो खड़ी हो चुकी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये अच्छा स्कोर मारेगी, उम्मीद तो बड़ी है। अब बाकी अल्लाह खैर करे। ये देखो एक और देखते हैं, 16 ओवर हो चुके हैं, 17वां ओवर चल रहा है, 890 हो गया, शाबाश वेल हो गया। वीएफ स्कोर नहीं जा रहा, बहुत अच्छी बात, बाकी किस्मत की बात यार, जो हाँ यार जितनी बंदा मेहनत करता है वही जीतता है, कोशिश तो करते हैं यार, जान के तो नहीं हारते ना। नहीं नहीं सही बात है, वो भी लड़ बात तो सही है दौड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं अल्लाह के बंदा। बाकी दुआ है और क्या है, बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआएं तो साथ है पाकिस्तान के। तो यार माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब भाई माशाल्लाह 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 भी बढ़िया भाई, क्या बात है, सजदे सजदे लगे पड़े 130 माशा, क्या बात अभी क्या बात, 130 हो गया है, 27वां ओवर चल रहा है। जोड़ी जैसे कि मैंने वो कहा था, जोड़ी जोड़ी है भाई पाकिस्तान में, रिजवान और बाबर आ देंगे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में ये जोड़ी है। तो शुक्र है अल्लाह का चले पड़े हैं, 2 ही आउट है तब से, 27 ओवर हो गए हैं, 30 ओवर में उम्मीद तो है कि 150 के ऊपर चला जाए स्कोर। अब नहीं क्या एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारे, कितने स्कोर लग जाएंगे? तकरीबन 300 लगना चाहिए, 300+। अच्छा हमको सिखा रिया है यार, उम्मीद 250 प्लस है तकरीबन मेरे ख्याल में, 250 होगा तो इंडिया के लिए आसानी होगी बनाने के लिए, 300 प्लस होगा ना तो भी थोड़ा डिफिकल्ट मैच हो सकता है। 250 तो नेदरलैंड भी मार देता बस यार, ये विकेट ना दें बाकी खैर है, बाकी जो किस्मत की बात है ये टिके रहे तो फिर तो है ना, ये विकेट ना दें अपनी, जैसे रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने खेलते भाई वो बंदे, उन दोनों ने मैच निकाला था श्रीलंका वाला, चस आई थी उस मैच में। A few moments later. क्या हो गया?
मायूसी के हालात, मायूसी के 50 मार गया पूरी बस यार। उम्मीद तो थी इसकी ज्यादा मारने की, अब देखो। तो यार बाबर भाई क्या हुआ यार? कुछ नहीं कह सकता, बड़ी उम्मीद थी बाबर भाई के साथ। चलो खैर, साउथ की ला चुके हैं, रिजवान भी है, अब देखो क्या बनता है क्या नहीं। मतलब उम्मीद तो बड़ी थी कि भाई बाबर और रिजवान आखिर तक खड़े रहेंगे, खेलेंगे, मगर जो होना होता है। बहुत गंदा बोल रहे हो यार, उम्मीद नहीं थी। खुद कुठी वाले खेल के आउट होने हैं, चचे का काम नहीं आता। अब आप कहोगे जब मार रहे तो बड़ी दाद है, तो हाँ भाई ये प्रैक्टिस ही करते, ये खेल ही ऐसा रहा था, मुझे शक हो रहा था इतना स्पीड से खेल रहा, कुछ ना कुछ होना है, वही होगा जिसका डर था। अच्छी भली जब से बाबर आउट हुआ है तब से काम शुरू हो गया भी आउट होने का। सौ शकील साहब वो LBW करवा के जा रहे हैं, ये बोल लो के जा रहा है, पता नहीं क्या होगा यार, कोई अंदाजा नहीं। अपने बना रहा हूँ लोग अब बाद में जाकर। तो यार दा की कसम, इतना गुस्सा आ रहा है इन सारे बंदों पर जो टीम में है, जितनी उम्मीदें थी सारी इन्होंने खाक में मिला दी है, बाढ़ में जाए उम्मीदें हमारी, अवाम की, सालों की। अरे इफ्तिखार चाहे तो क्या तकलीफ इतना तेज खेलने की, बता 200 भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। अब्दुल्ला उठ के चला गया, सारे बंद कर दिए, सारे घर वाले देख रहे हैं, सारों ने बंद कर दिया, क्या करे बंदा अब इनका। अब देखो खेलने लगे हो, मुझे तो हारे तो पड़े, पता तो लग गया है, बाकी हो कुछ भी सकता है, बॉलिंग हटा के हमारा भी ऐसा अच्छा कर देंगे, हाँ जीत जाए। कुछ नहीं लग रहा इनका होना है, काम खराब हुआ पड़ा है, लगा ले शर्त, हार गया। बाकी मैं भी इसको बंद करने लगा हूँ, आखिरी जो हो गए चंद ओवर वो जाओ दिखा दूंगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान की। हाँ अभी भी बंद कर रहा था, विकेट होगी है गिल की, आए 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 मजे आए। तो यार करा दी चेस फिर, वी आई पर अभी भी इतना स्कोर नहीं है कि ये जीत जाए, ये भी बात है। उनके प्लेयर बड़े हैं भाई, बहुत बड़े हुए हैं। कौन है गोली? ओ भाई साहब क्या है, क्या कह सकते हैं हम। अल्लाह खैर या अल्लाह, इसमें पहली बार तो उठवा या अल्लाह, इंशाल्लाह देखते हैं। अब मैं नहीं बंद कर रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, अगर दोबारा इन्होंने खाना शुरू कर दिया ना स्कोर, फिर मैं बंद कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर नहीं। A few moments later. तो यार बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस चीज की जिसकी उम्मीद लगाई थी, जो कुछ समझा था, कुछ भी नहीं हुआ। सब बॉलर, बैटिंग वाली साइड, बॉलिंग साइड, सब तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की, पता नहीं क्या हुआ इस मैच में हुआ। और हाँ एक और बात बड़ी आज अभी मैं सुन रहा हूँ, कल से वैसे वायरल, कल से वो के ना पता नहीं कौन है इंडिया का, वो मिला है पाकिस्तानी टीम से और कह रहे हैं कि फिक्स हो गया मैच, ये कर दिया वो कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता हमें कि वो मैच वाकई फिक्स है या पता नहीं वो फेक न्यूज़ है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है मगर अब ये नहीं पता कि वो न्यूज़ सही है या फेक है। बाकी ये चेक करो इधर, इनका स्कोर हो गया है 182, बाकी क्या रह क्या गया अल्लाह के, मतलब 10 स्कोर सारा रह गया। अब क्या कह सकता है बंदा, क्या कह सकता है बंदा, सारे चले गए हैं देख लो, कोई भी नहीं है, कैफ भी नहीं है, सारे खेलने चले गए, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने कहा भाई देखूँ आखिरी टाइम तक देखूँ क्या बनता क्या नहीं बनता, वो अब चले गया, मुझे भी जाना पड़ेगा, तो और कुछ कह नहीं सकते अब, चलते हैं। लो जी इनाम मिल चुके हैं हमें, 192 इंडिया, 3 आउट, 30 ओवर, 3 बॉले, पाकिस्तान 191 एंड। तो यार खेल खेल के वापस आ चुके हैं, बाकी पाकिस्तान का तो अफसोस है कि पाकिस्तान मैच हार गया। अब पता नहीं अफवाह है, पता नहीं क्या है कि पाकिस्तान का मैच फिक्स था फिक्स नहीं था, उसका हमें तो अंदाज़ा नहीं है, पर जैसे मैच खेला उस लिहाज से लग रहा था कि मैच फिक्स था। और अगर देखा जाए जिसमें अफरीदी कैप्टन होता था पुरानी टीम में, तब भी कोई उनका मिला था उनसे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो फिर वो यही हाल हुआ था, हार गया था। पाकिस्तान से मिला है न्यू जनरेशन वाली टीम से, तो उसका भी यही हाल कर दिया। बाकी अल्लाह को सही पता क्या है,
तो इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, बाकी सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी जाके, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, ओके।